शहरी इकाई मनीष पुरी ने एस टुडे से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा नगर परिषद के चुनावों में एक बार फिर अपना परचम लहराएगी और भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। शहरी इकाई मनीष पुरी की एच टुडे के साथ विशेष बातचीत। वार्ड नंबर एक जो है बहुत बड़ा वार्ड है और उसमें आपको मैं बताऊं कि पक्कापुरों से आगे मटानी तक उसकी बाउंड्री जाती है और अनु कॉलेज से नीचे अपना जो ब्लू स्टार स्कूल है उसके ऊपर तक ये आके खत्म होता है। 24 के राउंड अबाउट इसमें वोट हैं। इसमें पहले भी भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम वहाँ करवाए हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है और वहाँ हर बार जो है हमेशा पार्टी को में ही मुकाबला होता है। भाजपा प्रत्याशी श्रीमती बिमला ठाकुर जी इस बार खड़ी हुई हैं, उनका अच्छा है, वो डोर टू डोर कंपेनिंग कर रही हैं और वो एक्सपीरियंस्ड हैं, बीडीसी मेंबर रह चुकी हैं पहले और एक बार नवनियुक्त सदस्य भी मिश्र कमेटी में रह चुकी हैं, तो उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है और एक अच्छी महिला हैं। हम चाहेंगे कि वो अच्छे मार्जिन से आए और इस वार्ड को अपनी सूझबूझ से उसकी तरक्की करवा पाए और बाकी हम लोग साथ हैं। मैं शहरी भाजपा इकाई के वरिष्ठ उपप्रधान होने के नाते वार्ड नंबर एक में मेरा घर है, तो मैं उनके साथ चला हूं और उनके साथ हम पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो हमारी टीम कामयाब होगी कि हमारा यही वो रहेगा। और मैं यही अपील करूंगा वार्ड नंबर एक के लोगों से कि वो भाजपा के प्रत्याशी को वोट दें तथा उन्हें जिताएं, जिससे हम इस वार्ड में अच्छे से अच्छी टूर्नामेंट करवा सकें। देखिए, बीजेपी का अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। विधायक जी ने बहुत सोच समझ के टिकटें दी हैं, तो ये बढ़िया रहेगा। आप रिजल्ट देखिए, 10 तारीख को ही पता चल पाएगा बाकी चीज़ें, तो ये आप देखिए इस तरह बहुत बढ़िया रहेगा। आपको जो शहरी जो निगम है हमारा, जो म्यूनिसिपल कमेटी है, ये भाजपा की ही बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए।